हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.7 और इसका सम नंबर 1 मैंने आगे करवा दिया है। आज हम करेंगे सम नंबर 2। डिवाइड एंड फाइंड द क्वोटेंट एंड द रिमाइंडर। डिवाइड करने का है और क्या फाइंड करने का है इसका, क्वोटेंट एंड रिमाइंडर। जो नीचे डिजिट होता है बाकी रह जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, आपको सब मालूम है। वो जो साइड में उसको क्वोटेंट बोलते हैं। तो हम करेंगे सम नंबर ए का सम नंबर 2। तो 233,624 डिवाइड बाय 136। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने का है कि 2-3 फिगर को हमें ध्यान में रख के फिर डिवाइड करने का है, क्योंकि डिवाइड भी 136 से करने का है। तो यहाँ पे 3 फिगर आएगा 233 और 136। तो 136 दूसरा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम पहले 1 से ही उसको करेंगे माइनस। तो सबसे पहले हम करेंगे कि 13 में से 6 निकालेंगे तो 7, 1 ले लिया है तो 2, 12 में से 3 जाएगा तो 9 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो यहाँ पे बाकी क्या बचा है, नीचे 997, 9 and 7 2 फिगर बाकी, लेकिन ऊपर से हम एक नीचे लेना है तो नीचे आएगा 6, तो हो गया 976। तो यहाँ पे हमने मैंने डिवाइड करके दिखाया है, फिर डायरेक्ट 7 से चलेगा तो 936 7 सा क्या है 952। तो हमने 976 में से 952 माइनस किया तो क्या आया 24, लेकिन ऊपर से 2 नीचे लिया तो 242 हो गया। तो फिर से हमें 1 से ही डिवाइड करना होगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 से किया तो क्या आया 1,066 आया, लेकिन ऊपर से हमें 4 लेने का है तो 4 लिया तो 1,064 हो गया, 1,064 हो गया। तो फिर से हमें 7 से ही डिवाइड करेंगे तो 136 7 9 952। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 112। तो आंसर मैंने साइड में लिखा है कि क्वोटेंट इक्वल 1717 एंड रिमाइंडर इक्वल 1112। तो ये हो गया सम नंबर 1। अब हम करेंगे सम नंबर 2। इसमें है 93,254 डिवाइडेड बाय 57। यहाँ पे 57 टूजा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 से ही हमने डायरेक्ट माइनस किया है तो 57। तो नीचे माइनस करने से क्या बचा 36, लेकिन ऊपर से हमें 2 लेने का है तो ये हो गया 362। तो 576 आएगा 342। तो यहाँ पे हमने 342 से माइनस किया है तो आ गया 205। और तो माइनस किया तो 20 आया, लेकिन ऊपर से 5 नीचे ले लिया तो 205 हो गया। तो फिर हमने 3 से किया तो 57 3 17 171 आता है। 205 में से 171 माइनस किया तो क्या आंसर आया 34, लेकिन 4 ऊपर से लेने का है तो 344 आया, उसमें से 342 सिक्सा होता है वो माइनस किया तो क्या रिमाइंडर आया 2। तो साइड में मैंने आंसर लिखा है क्वोटेंट इक्वल 1636 मैंने रिमाइंडर इक्वल। यहाँ पे हमारे 2 सम फिनिश हो गए। अब हम सम नंबर 3 करेंगे।
वो भी बड़ा है, इसलिए तुमको ध्यान से ये सब देखने का है और सीखने का है। तो ये है 7,63,900 और डिवाइडेड बाय 86, तो हम यहाँ पे 86 से डिवाइड करेंगे तो 86 8 सा डायरेक्ट चलेगा तो आएगा 688। तो इसमें से मैं माइनस किया तो 75 आएगा, लेकिन ऊपर से 9 नीचे लेने का है तो 9 आ गया तो 759 वो गया। तो ये फिर से हमने इसमें 8 से ही किया क्योंकि 8 में 788 है तो 8 से ही चलेगा। तो क्या आंसर आया? 71, लेकिन ऊपर से हमने 0 लिया तो 710 हो गया। तो तीसरी बार भी 8 से ही किया तो क्या आंसर आया? 222, लेकिन एक 0 बाकी वो नीचे ले लिया तो फिर 2 से चलेगा 172। तो नीचे रिमाइंडर क्या बच गया? 48, इम्पोर्टेंट 8882, 8882। ये हो गया हमारा सम नंबर 4। अब सम नंबर 5, 713276, तो 71,32,706 डिवाइडेड बाई 469। ये बहुत ही बड़ा है और आपको ध्यान रख के करने का है। तो 469 पूजा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हमने 1 से ही किया है। तो 713 में से 469 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आया? 244, लेकिन 2 हमें नीचे लेने का है तो 2 नीचे लिया तो 2,442 आया। तो फिर हमने इसे 3 से डिवाइड किया, सॉरी 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 97, लेकिन 7 को नीचे लेने का है इसीलिए 977 हो गया, 977। तो फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 469 टू से आएगा 938। तो 938 से माइनस किया तो क्या आया? 390, लेकिन ऊपर से 6 अभी बाकी वो नीचे लेने का है तो वो नीचे लिया तो 3906 आया। तो हमने 469 से 98 सा किया तो 3752 आया। तो नीचे हमने उसको माइनस किया तो आंसर क्या आया? 154। ये हो गया रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो हमेशा वो 496 है उससे से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया रिमाइंडर और कॉटेंट हो गया 1, कॉटेंट हो गया 7, 528, कॉटेंट हो गया 15208। ये हो गए हमारे सम नंबर, सम अभी 2 बाकी हैं वो हम फिर करेंगे और आगे हम आपको आपकी हम मैथ की नोट में अच्छे हैंड राइटिंग से लिखने का है और कैसे किया वो भी ध्यान रखने का है और मैथ की नोट में भी लिखने का है और वो होमवर्क में भी करने का है। आई विश यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। Thank you very much.